सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रतिभा चौहान, देवभूमि हिमाचल के जिले शिमला के एक छोटे से गांव सराहन में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे और मैं भी बढ़िया हूं। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 7:47 से। तो मैं सबसे पहले आपको इधर मौसम का अपडेट देती हूँ। तो ऊपर देखो बहुत सारे बादल है, तो आपने देख ही लिया है। तो और अभी मैं सो के उठ रही हूँ, तो मैं अभी आई हुई हूँ जी इधर। मैं दूध पी लेती हूँ, तो मैं इधर आई हूँ। तो मैं सुबह सुबह आपको मिलाती हूँ अपनी दादी से, और मुझे ऐसा भी लग रहा है अंदर कोई आया हुआ है, तो मैं आपको वो भी बताती हूँ कौन आए है। इधर आए हैं जी एक दादू। नमस्ते, ठीक ठाक? ठीक। कल हाँ जी अब शौच काटने आ गए, और क्या कर सकते हैं। ये है दादू। कितनी साल दादा आपकी एज? कितनी एज है आपकी? उम्र हम बे मेरे ये 90 साल है। 90 क्या कर तू दादू? 90 साल के हो गए हैं, थोड़ा कम सुनाई देता है। मौके ले चाले हुए मैं उम्र छोड़ गए हुए मारू ने थी मोरे घर नाले लगे मोरते ओ नानी तू मुला बता तू भी नू मु छोटे। ओहो क्या हुआ? तो मैं आई हुई हूँ जी इधर झाड़ू के लिए। तो मुझे यहाँ से ले जाना होगा झाड़ू। ये वाला मुझे थोड़ा छोटा सा लग रहा है, नहीं भी बड़ा है, मैं से थोड़ा छोटा सा लेके जाऊंगी। ये वाला थोड़ा ठीक है, तो इसको लेके जाती हूँ। मैंने झाड़ू लाया था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो मैंने कुछ इतना सा निकाला जो हाथ में आए मुट्ठी में। तो ये वाला है, और मैं अब इसको बांधूंगी। तो हमारे कुछ इस तरह के झाड़ू होते हैं, ये घास होता है उसका ही झाड़ू है। बाकी आप सबके भी होते होंगे कि नहीं, अगर आप हिमाचल से हो तो आपके जरूर होंगे। तो इसमें जो ये वाला घास है, जो ये वाला है, और इसको अब निकालना होता है, से फिर झाड़ू नहीं पड़ेगा नीचे। इस तरह से मारते हैं, तो ये पूरी की पूरी सीढ़ी हिल रही है। मैं देती हूँ जी झाड़ू बाहर, फिर मुझे पूरा का पूरा साफ करना है। तो मैं कर देती हूँ। और भाई ऑस्कर उठ चुका तू सो के? ये दोस्तों अभी सोया हुआ था, इसने मुझे देखा और आ गया। अब तो जहाँ जहाँ मैं जाऊंगी वहां वहां ये आएगा। हेलो कर, कर हेलो कर, गुड, और कर गुड। थोड़ा सुनता तो है वैसे कभी कभी, बाकी तो भाई कभी तो इसको पता ही नहीं होता। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा घी, पता नहीं मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं डाल दिया, क्या लग रहा है गाइस आप सबको, मैंने बहुत डाल दिया कि कम। तो हम खाते हैं इसको। ये बनाई हुई है जी दादी, किस चीज का बेड़ा है इसमें? इसमें है गुट्टी, कड़वी गुट्टी जो होती है वो है, अखरोट है डाले हुए, और डाले हुए जी इसमें प्याज लहसुन जो जो भी होता है, बाकी वो मिक्स किया हुआ, फिर उसकी स्टफिंग बनाई हुई है। तो आप देख सकते हैं इधर हम मेरे लिए सिड्डू बनाए गए हैं। तो इधर देखो भाई, और वहाँ आप देख सकते हो उधर से ना बारिश शुरू हो चुकी है, इधर इधर आ रही है, इधर से भी देखो कैसे बादल है, और इधर का व्यू देखो, इधर का व्यू भी बहुत सुंदर है। तो दोस्तों मैं अभी इधर इधर से घना घना घास निकालती हूँ जल्दी, ताकि जल्दी जल्दी एक दो पूरे हो जाए, दो तीन ही लेके जाऊंगी। तो मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, बारिश शुरू हो चुकी है, तो मैं भाग रही हूँ घर की ओर। भाई मेरा कैमरा भी भीग रहा है, फोन भीग रहा है, और
क्योंकि देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। उधर देखो जी मम्मी भी आ रहे हैं भीग के। कितने भीगे? अभी भी देख सकते हो आप बारिश लगी हुई है। पानी तो मैंने गर्म किया हुआ है, निकालो। निकाल दे। पहले पानी लगा दिया था गर्म करने के लिए, तो इधर मैं निकालती हूँ मम्मी के लिए। ये क्यों आ रहा कम कम? कहाँ से लाऊं? निकाला। भाई ये भी भीग रही है, मेरे को ध्यान ही नहीं है। कैसे ध्यान नहीं है? मैं नहीं डाली थी और मैं नहीं। ये जाएगी गैलरी में तो। अरे ऐसे ही आएगा थोड़ी देर में। तो अभी मैं उठ रही हूँ जी सो के, और मैं सोई थी कितने बजे सोई थी टाइम तो मैंने देखा ही नहीं, तो मैं अभी उठ रही हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 4:05, और मैं थोड़ा आपको इधर मौसम की अपडेट देती हूँ। अभी तो बारिश रुक गई है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो बारिश रुक चुकी है। तो अब जाती हूँ मैं पेट पूजा करने पहले, उसके बाद पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो इधर देखो, इधर अभी भी वैसा ही है, पर बारिश अब रुक चुकी है, थोड़ी देर पहले हो रही थी। और वहाँ पर एक बिल्ली भी है, वहाँ देखो किसकी बिल्ली है भाई ये। तो मैं हो चुकी हूँ खाना खा के फ्री, तो अब चलते हम थोड़ी देर खेत, क्योंकि मम्मी खेत गए हुए हैं। तो मैं भी जाती हूँ, तो मुझे ही बोला होगा इधर से दराटी एंड रस्सी लेके आने के लिए। भूली रही हूँ, मम्मी इधर वाले खेत में आए, आवाज तो आ रही है इधर नीचे से कहीं से। तो यहाँ नीचे निकाल रहे हैं सेब में, तो पेड़ में तो पत्तिया ही नहीं रही। कहाँ पे निकालू? अरे वहां पे बहुत गंदा घास था। कितने पूड़े निकाले? चार भाई इधर देखो, चार निकाल दिए। हाँ सबसे लास्ट वाले में जाती हूँ। मुझे यहाँ से नीचे वाले खेत के लिए बोला जा रहा है जाने के लिए, तो मुझे पता है इधर बहुत सांप भी होते हैं। होते कि नहीं होते? हाँ अब नहीं होते, अभी तो होते हैं। अभी कौन से वैसे बोलते हैं कि अभी नहीं में आता क्यों? पंडित से पूछा? पंडित ने पूछा, मुझे पता है कि 20 बातों के बाद मतलब खा पी जाते हैं। है अच्छा, नाग देवता जो इधर उसने छोड़े होते हैं ना सांप, तो वो नाग देवता जी, नाग देवता जी के पास ही चले जाते हैं। नाग जड़ से ही पट रही हूँ। क्यों? ताकि दोबारा से न लगे। तो गाइस इधर देखो, मेरे मम्मी के 500 रुपया छूटा था। हद करते हैं मम्मी आप, तो भाई पैसे की कदर ही नहीं है। तो मिट्टी से, बारिश से भाई। मैं मेरे को फिर याद ही नहीं कहाँ छूटे हुए ये। किसने दिए? ढूंढ के मैं तो कहाँ रखे मैंने ये। कदर ही नहीं है, बिल्कुल भी कदर नहीं है भाई। तो ऐसे छूटते हैं? छूटे जैसे फोन निकाला होगा ना इस टाइम निकले। मैं क्यों नहीं गई? पर सीने की कमाई है ये मेरी, क्योंकि मैंने उसके लिए अपने पैसे दिए थे ना। किसी मंजू को उन्होंने दिए मेरे पास ही पार से सोनू गोले शाश में बोला मंजू के लिए देना, पार छुट्टे होने मेरे। ढूंढ ढूंढ के थक गई मैं। मैंने सोचा कहीं बेड के नीचे रखे होने, कहीं जैकेट में रखे, कहीं धोए मैंने जैकेट में। खून अपने पैसे दिए मैंने उसके लिए फिर। अच्छा फिर मिले? खून पसीने की कमाई कहीं नहीं जाती है। और क्या,
तो इधर देखो ये उठा रहे हैं जी राजमा, तो हमारे खेतों में अभी लाल लाल राजमा पक चुके हैं। और इधर देखो हमारी बंजीरी भी तैयार हो रही है, इसके तो पत्ते ही बड़े बेरहम होते हैं, तो इसे ना। तो इधर देखो आप राजमा, इधर दिखाओ जरा मम्मी, इधर दिखाओ मेरे पास, हमारी कमाई है ये भी। हाँ बीजे थे हम दोनों ने, क्यों आप देख सकते हो ऐसे होते जी राजमा, अगर किसी को पता ना हो तो। हाँ सबको हिमाचली राजमा, हिमाचली राजमा। तो बाकी हिमाचल में पाए जाते राजमा। हाँ, बाकी नहीं होते में। बाकी कहाँ नहीं होते तो सारे में। इधर निकाल दिए है जी चार पूरे, दो मैंने निकाले होंगे, दो के लिए मेरे साथ मम्मी ने थोड़ी हेल्प की, और इतनी सी हमारी इसमें राजमा निकल चुकी है, और भी अभी इसमें रही हुई है जो पकने के लिए रही हुई है, ये वाली पक चुकी है। और इधर मम्मी लगा रहे हैं जी भरटू मेरे पास के लिए, है ना, अपने पास तो आपने लगाया, मम्मी का वहाँ पर है जो आप देख रहे होगे, वहाँ पर वाइट वाइट सा दिख रहा है, और मेरे लिए लगा रहे हैं जी यहाँ पर। मैं इतना ही उठा सकती हूँ चार पूरे, घर तो नज़दीक है ना, जो ये टैंक दिख रहा है ये वाला टैंक, इससे पई साइड को मेरा घर है, तो हम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक वाले खेत में आए हुए हैं। वहाँ ऊपर एक कौवा कौवा उड़ रहा है, क्या उड़ रहा था वहाँ ऊपर था, एक के ऊपर एक एडजस्ट करना होता है, पर ये वाला घास बहुत भारी होता है, ये भी मुझे पता है। वाह भाई कितनी सारी चिड़िया गई वहाँ के लिए, ये बहुत ऊंचा क्यों लग रहा है, ये भी डालना होता है इसमें। तब मेरा भट्टू मेरे लिए तैयार हो चुका है कल से, अब हमारा ये। तो आप सबको पता है कि आज से शौच शुरू हो चुका है, तो जैसे अभी हम घास काटने आए हैं ना, तो ऐसे ही घास काटने हम कल से जाएंगे, और आपको पता लग जाएगा हमारे कितने दिन लगते हैं घास काटने के लिए, है ना मम्मी। नहीं तो आज से ही शुरू कर देना, तो मौसम थोड़ा ख़राब है, और हमारे गांव में जैसे डेथ हुई थी ना कल रात को हुई, कल शाम के टाइम हुई थी ना, जब मैं घर पहुंची तब मुझे पता चला कि डेथ हो चुकी है गांव में। वो थे हमारे दादा, जो मेरे दादा है दादा के मामा के बेटे ना, हाँ। तो फिर मम्मी और दादा वहाँ गए हुए थे, तो हम तो इधर ही थे, तो उस टाइम मैं घास के लिए भी आई थी, और मैंने पता कि मैंने ऐसा घास निकाला था थोड़ा सा, और उतने में बारिश हो गई, तो उतने में घर भाग गई फिर उसी तरह से। वो भी मुझे मम्मी ने फोन करके बोला, फिर मम्मी मुझे ऐसा बोलते कि तेरे को पता नहीं चलता, तो वही मेरे को नहीं चलता है पता कि बारिश आ रही है, बोला तेरे को पता नहीं चलता कि ऐसा करना पड़ता है, भाई मेरे को पता ही नहीं चला, तभी तो मैंने के लिए नीचे। अब मैं देखती हूँ मैं उठ पाऊंगी कि नहीं उठ पाऊंगी, यार कपड़े भी गंदे हो जाएंगे, हाँ नहीं होगे, तू जान बे, हाँ तू जान, तब लगाया हमने ऐसी जगह, मैं जानती हूँ आपको, जा भाई। ओ शिमला के बाबू चले एक मिनट मैं खुद उठूंगी देखना शिमला के बाबू पहाड़ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है रुको। नहीं नहीं इधर ही आओ, आप ही आओ, रुको टांगे टूट जानी मेरी, अब हो गया अब जाओ, याद आ रहा है नीचे ठीक थी कपड़े ठीक है मेरे, अब ठीक लगा, कहाँ से जाऊँ वहाँ से चढ़ पा, तो मेरे पास नीचे से देख सकते हो माता श्री ने बहुत अच्छे से लगाया हुआ है अपने पास, नहीं तो अभी मेरे से सहारा मांगते चलाक, बढ़िया था मम्मी के पास लगाने के लिए आया हुआ, ये भी मैं उठाऊं, चलो ठीक है मैं उठाती हूँ। तो हम इसलिए इतना घास लेके जा रहे हैं ना, कल का कोई पता नहीं है, कल बारिश हो सकती है, इसीलिए हम थोड़ा स्टोर करके रख रहे हैं जी। हम डिनर करने, तो मम्मी ने इधर लाइट लूट लगा दी है, पार वाली भी लगाओ, नहीं नहीं डर भाई स्नेक होते हैं, हाँ। इधर देखो जी दादी ने डिनर के टाइम, दादी ने काम छेड़ा हुआ है, एक मिनट रुको तेरा, तो इधर देखो ये हमारी राजमा, कितनी बड़ी बड़ी राजमा है, उधर है मम्मी, उधर है दादी आए हुए गांव से, तो आज बनाई हुई है जी बलड़ी की दाल चावल, इधर है ये, इधर है दादा की।
तो मैं आ चुकी हूँ जी रूम सोने, और मैंने खाना वगैरह खा लिया है, झाड़ू झूलू दे के मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो मैं अभी पहुंच रही हूँ जी रूम, और इधर मैंने अपने लिए बिस्तर लगा दिया है। और तो आज के व्लॉग को मैं अब यहीं पर ही एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय गाइस।